सभी साथियों को नमस्कार। जनसरोकार मंच और जनसरोकार से जुड़े हुए सभी लोग जिन्होंने एक इसी ऐसी स्थिति में जब हम किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो जनसरोकार मंच ने एक ऐसा माध्यम बनाया। ये रही देवसर ने कि रामरतन जी आपको भी अपना कविता पाठ करना पड़ेगा, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से मेरी कुछ ऐसी जो लिखी हुई थी कविताएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी सारी कविताएं हैं, मुझे लग रहा था कि 10-5 कविताएं होंगी, तो देव सर ने कहा तो सुना देंगे। तो 35-36 कविताएं जब ढूंढने लगा तो वो मिल गई मुझे। इसके लिए देव सर बहुत बहुत उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम कभी कविताएं जो लिखते हैं, कविताएं होती क्या है, तो एक्चुअली ये अपने मन के भाव होते हैं जिनको हम व्यक्त करते हैं। तो उसी कड़ी में मैं अपनी एक कविता जो सुनाना चाहूँगा, और वो कविता लगभग मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उनमें से एक कविता मैं लूँगा। सबसे पहले जो कविता नाम से ही उसका शीर्षक है, तो आपको सुनाना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं कविताओं को क्या समझता हूँ, क्या देखता हूँ, किस तरह से उसको सोचता हूँ। कविताएं है क्या? कविता गेय है, अज्ञेय है, क्या फर्क पड़ता है? कविता सिर्फ भाव है, किसी भाव का, किसी अभाव का, संवेदना का या स्पंदन का, तरंग का या कहर का। कविता कविता है, सिर्फ कविता। चलती हुई नदी, बहती हुई सदी, सतत अनवरत लगातार कविता। कविता ग्वाला है, माला है, मन का है, अलंकार है, संस्कार है, तन का तार है, समय की मार है और समय का सार है। कविता एक मन से दूसरे मन तक, कविता एक मन से दूसरे मन तक बहती है धीरे धीरे, लरजती हुई, सिहरती हुई, स्पंदित करती भाव विहल धार है। कविता एक मन से दूसरे मन तक बहती है धीरे धीरे। तो यह है कविता, जो कविता शीर्षक से मैंने लिखी है। और इसके बाद में एक आपको कविता सुनाना चाहूँगा, कुदाल का पसीना। तो हम किस तरह की चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, वहीं से हमारी विचारधारा, हमारे शब्द हमें गढ़ते हैं, वहीं से हम सब बहुत सारी चीज़ों को निकाल लाते हैं और अपने उन शब्दों के जरिए उन बातों को कहते हैं। हाथों में लिए कुदाल, ऊंचा किए भाल, हाथों में लिए कुदाल, ऊंचा किए भाल, नित नित खोदते कुआ, कभी यहां कभी वहां, नित नया ताजा पानी, नित नया जीवन रस। छीनते वो मंत्रोचारी मंगलाचार का लगा मुखोटा,
छीनते वो मंगलाचारी मंत्रोचार का लगा मुखोटा, कुदाल का पसीना कभी यहां कभी वहां, भरते कोठियां लगाते पहरे, भरते कोठियां लगाते पहरे, बरसों बरस पीते गंदला जल, वो बेलों के खुरों से बने खड्डों में पलते कीड़े, पीते गंदला जल, वो बेलों के खुरों से बने गड्ढों में पलते कीड़े। आप इस कविता का जो भाव वो महसूस कर सकते हैं कि एक तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो श्रमशील लोग हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म का एक आभा मंडल बनाते हैं, और उनके साथ उनके जो संसाधन हैं उन पर अपना अधिकार जमाए रहते हैं। इसी तरह से एक कविता है किसान के ऊपर, जो मैं अभी सुन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे अपने, सरसों के पीले फूल, सरसों के पीले फूल सरद हवा के झोंकों के साथ झूम रहे हैं, कहीं दूर वृक्षों के झुंड धीर धरे खड़े हैं। वृक्षों के पीले फूल सरद हवा के झोंकों के साथ झूम रहे हैं, कहीं दूर वृक्षों के झुंड धीर धरे खड़े हैं। अंबर से तुषार बिंदु धीरे धीरे जमी पर उतर रहे हैं। खेतों में खड़ा अनंग, खेतों में खड़ा अनंग दुसाला ओढ़े सरसों का यौवन, वृक्षों का धीर और तुषार की ठंडक धारण कर बढ़ता जा रहा है आगे और आगे। इसी उम्मीद से इस फागुन में फाग गाएंगे, होली खेलेंगे इन फूलों के संग, सरसों के संग, इन वृक्षों के संग। ये सब मेरे अपने हैं, सिर्फ मेरे। तो ये थी साथियों किसान पर एक कविता, या किसान की जो उसका भाव है उसको मैंने पकड़ने की कोशिश की है। इसके बाद एक महेश जी गुर्जर ने एक पेंटिंग बनाई थी मृत्यु भोज को लेकर, और जब प्रदर्शनी में उसको पेश किया गया था तो उस पेंटिंग को देखकर मेरे मन में एक ख्याल उमड़ आया, और उसको मैंने एक, उसको आप कविता कह सकते हैं, उसको एक लघु कथा आप कह सकते हैं, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। उस कविता का नाम है मोशर, और वो कविता अपने ही शब्दों में, अपनी ही लोकवाणी में, जो अपने आसपास की जो भाषा है उसी में मैंने उसको लिखा है। बेटा, थारा बापू ने उतावली ही परमात्मा सु मिलन री, परमात्मा भी एड़ा भला मिनखा ने बेगोई बुला भेजे है। बेटा, थारा बापू ने उतावली ही परमात्मा सु मिलन री, परमात्मा भी एड़ा भला मनखा ने बेगोई बुला भेजे है। थारो बापू समेसु पहले ही चल गयो, मुँह रांडबेर होगी तू छोटो सो नानो, मैं काई करती। पंच पटेल भेड़ा हो गया, क्रिया कर्म करयो मोसर की ठाण्या। पंच पटेल भेड़ा हो गया, क्रिया कर्म कर्या मोसर की ठाण्या, मन थारो भविष्य अंधेरा में दिखण लाग्यो। थारा बापू ने घड़ाई ही राखड़ी नथड़ी मांडल्यो, कणकती कड़ूल्या बाजूबंद बोरलो अर कड़िया, आड़ी बिगत काम आसी
थारा बापू ने घड़ाई राखड़ी नथड़ी मांडल्यो कणकती कड़ुल्या बाजूबंद बोरलो अर कड़िया आडी विगत काम आसी। बेटा न बड़ो आदमी बनासी। पंडित बोल्यो मोसर में जत्रो बढ़िया कर परलोक में उतरो ही मल। पांच पकवान करया पांच गांव सारा जीम्या जद सुई अंधेरो इश्यो को इश्यो ही है। दूसरा के मजूरी करती थारो पेट पालती मारो भी भरती। दूसरा के मजूरी करती थारो भी पेट भरती और मारो भी भरती। बेटा सोचू हूँ मोबाइल रो जमानो है एक बामणरी बलि चढ़ाऊं वो मोबाइल ले जावे थारा बापू सु बात करावे समाचार तो मिले के आपने परलोक में रोटियां तो टेम सु मल रही छे ना। बेटा सोचू हूँ मोबाइल रो जमानो है एक बामणरी बलि चढ़ाऊं वो मोबाइल ले जावे थारा बापू सु बात करावे समाचार तो मिले के आपने परलोक में रोटियां तो टेम सु मिल रही है नी। ये थी मोसर कविता जो कि इस कविता का जो परिणेता जिससे प्रेरित हुई है वो महेश गुर्जर की जो पेंटिंग थी इसी मोसर पर आधारित थी वो उसी को लेकर मैंने इसको उसको देखकर जो भाव मेरे मन में जगे उसको ही मैंने इसके प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद में कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुनो कामरेड तो भारतीय समाज में जो राजनीतिक जो लड़ाइयां है उसी को कुछ आधार बनाकर कि हमारे देश में जो कम्युनिज्म है साम्यवाद है वो किस तरह से धराशायी हो जाता है क्या मतलब कौन सी चूक है जो वो कर देते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं उसी का एक भाव कहने की कोशिश की है मैंने इसमें। सुनो कामरेड यह कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है पूंजी और सर्वहारा की। लड़ाई एक ही स्तर पर जमीनी लड़ाई भी नहीं है जिसका भी हुआ पलड़ा भारी ली उसने ही बाजी मारी या फिर हुआ द्वंद्वों का घमासान और स्थापित हो गया शक्ति संतुलन या फिर हुआ द्वंद्वों का घमासान और स्थापित हो गया शक्ति संतुलन। ये लड़ाई है दिलो दिमाग में स्थापित बंद सोपानिक पिरामिडिये आकारों की। ये लड़ाई है चिरकाल से स्थापित सीडी दर सीडी व्यवस्था जिसमें जन्म आधारित जाति श्रेष्ठता का अहंकार होता है। अब इसके बाद मैं आपको हाइकू कह रहा हूँ मैं उसको पता नहीं हूँ कितने हाई कू है कितने नहीं है। जापान में कुछ कुछ छोटी छोटे शब्दों में लिखने की एक परंपरा है तो मैं उनको हाई कू कह रहा हूँ तो वो कितने हाई कू है ये मुझे नहीं पता उसके पैरामीटर्स क्या है। लेकिन हम जब थिएटर में कोई एक नाटक कर रहे थे तो हमने एक जो जापान में परमाणु हमला हुआ उस पर उसका क्या प्रभाव हमारे पूरे वर्ल्ड में पड़ा है और जापान पे खासकर पड़ा तो वो उसको मैं इन हाइकूज के जरिए कहना चाहता हूं। परमाणु हमला तो ये 5-7 हाइकूज हैं तो सुनिएगा। इनके अपने संदर्भ होते हैं हर लाइन एक संदर्भ होती है और वो आपको विभिन्न संदर्भों से जोड़ते हैं हर आदमी का एक अपना संदर्भ हो सकता है। नफरती सूरज फटा जमी से भाप बन गई मानवी अस्मिता।
ये एक हाइकू है। नफरती सूरज फटा जमी से भाप बन गई मानवी अस्मिता। दूसरा हाइकू, परत दर परत दौड़ पड़ा एटमी ताप, डाक बांटते डाकिए सफाई कर्मी राख हो गए ऐठन लिए। आप परमाणु हमले का जो प्रभाव है इस हाइकू में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग चलते फिरते एक जगह पर, वैसे जैसे रस्सी जल झेलने की बात में उसमें वो जो ऐठन दिखाई देती है, बल उसका दिखाई पड़ता है, वो वैसे के वैसे उसी आकार में राख होकर के दिखाई पड़ने लगे। दूसरा, तीसरा जो हाइकू है वो है, ओवन में पड़े आलू सी, ओवन भट्टी, ओवन में पड़े आलू सी इंसानी चमड़ी तड़क गई अमरीकी ताप से। ओवन में पड़े आलू सी इंसानी चमड़ी तड़क गई अमरीकी ताप से। आप समझ सकते हैं इसका कितना विभत्स वो रहा होगा। और जो उन युद्धों का जो बच्चों पर जो प्रभाव रहा है उसके लिए ये छोटा सा हाइकू है। युद्धों के गर्भ से पैदा होते विक्षिप्त बच्चे भयावह तन लिए। पांचवा हाइकू है, एटमी जीवाणु पीढ़ी दर पीढ़ी फल फूल रहा मूछों की ऐठन से। समझिएगा इसको, दोबारा बोलता हूं, एटमी जीवाणु पीढ़ी दर पीढ़ी फल फूल रहा मूछों की ऐठन से। एक और हाइकू, रक्त बीज बन घुल गया लुकेमिया, रक्त बीज बन घुल गया लुकेमिया हर एक नवजात में। लुकेमिया मतलब रक्त का कैंसर। उसके बाद, उस घटना के बाद, उस इलाके में आज भी नवजात बच्चों में रक्त का कैंसर पाया जाता है और पता नहीं किस तरह से वो लोग उसको सहन करते हैं। एक और हाइकू, एटमी विषाणु पल रहा छोटे तंग खानों में, एटमी विषाणु पल रहा छोटे तंग खानों में मूछों पर ताव लगाता। और ये किस तरह से युद्ध चिरंजीवी हो गए, तो उसी को कहा है मैंने, हमारी उम्रों से उम्र चुरा, हमारी उम्रों से उम्र चुरा युद्ध चिरंजीवी बन गया। तो ये थे कुछ हाइकूज। तो आप इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रश्न या आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, बाद में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता है बीड़ी, वो सुनाता हूं। बीड़ी, देखो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जो हमें बहुत छोटे से दायरों में बांध देती है, लेकिन हर आदमी का अपना नजरिया है। बीड़ी को मैंने किस नजरिए से देखा, बीड़ी, बीड़ी दो पल ले तसल्ली नहीं सुलगाती है, बीड़ी फेफड़े ही नहीं सुलगाती है, सब्बे पड़ोसी को भी
बेचैन करती है। बीड़ी फेफड़े ही नहीं सुलगाती है, सभ्य पड़ोसी को भी बेचैन करती है। बीड़ी एक चिंगारी है, बीड़ी एक चिंगारी है, आक्रोश को दबाए बैठी, न जाने कब दहक उठे। बीड़ी एक चिंगारी है, आक्रोश को दबाए बैठी, न जाने कब दहक उठे। तो ये थी बीड़ी कविता। और अब एक बहुत ही, आप इसको विद्रोही कविता कह सकते हैं। एक ऐसा समय चला था कि जो भी महिलाएं विरोध कर रही है तो उनको किस किस नामों से हम नवाज रहे हैं, क्या क्या हम उनको कह रहे हैं, उसी को लेकर के कविता है विद्रोही औरतें। विद्रोही औरतें, विरोध करती औरतें, मुंह खोलती औरतें, बेबाक बेलाग औरतें, बराबरी की बात करती औरतें। विरोध करती औरतें, मुंह खोलती औरतें, बेबाक बेलाग औरतें, बराबरी की बात करती औरतें, सच बोलती सच को उगाड़ती औरतें, सत्ता से टकराती औरतें, सड़ी गली व्यवस्था को ललकारती औरतें, सड़ी गली व्यवस्था को ललकारती औरतें, सम्मान पाती है। किस तरह के सम्मान पाती, उनको क्या कहता है ये समाज, सम्मान पाती है रांड होने का, छिनाल जगत बिछावना गतराड़ा भक्तन रखेल और नटड़ी होने का। जैसे पाता है सम्मान पुरुष भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण ज्ञानपीठ अर्जुन अवार्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये मिलते हैं समर्पण से, चाटुकारिता से, भक्ति संस्कार से, तिकड़म बाज विसात से, आत्मा की हत्या से, स्तुति और चरण गान से, सत्ता की चरण ढोक से, कभी कभार औरतें भी पा जाती है ये सब। वो सबसे ज्यादा पाती है सोल दुसाला समर्पण से साड़ियां, तिकड़म बाजी से बीछिया, भक्ति संस्कार से लहरिया, स्तुति और चरण गान से मंगल सूत्र मोतिया, धर्म सत्ता की चरण ढोक से पाती है सर्वश्रेष्ठ संस्कारी गौरव नारियां। जो ढोती है वजन परिवार का, करती है नौकरी और रख देती है तनख्वाह हथेली में पुरुष की, फूंकती है चूल्हा सांझ सवेरे, दम घोट घोट पाती है बीमारियां, सुख की आस में दिखाती है छुप छुप जोशी को हाथ की रेखिया, सिर दर्द की गोली के लिए पसारती है हथेलियां, छिप छिप कर भेजती है संदेश, पीहर से दुत्कारती है भाबियां, चल बसती है देर सवेर, सिर से पांव तक बंधक, आभूषणों से लकदक शमशान तक, चल बसती है देर सवेर, सिर से पांव तक बंधक, आभूषणों से लकदक शमशान तक, एक एक बंधन को उतार, आभूषणों की बांधते हैं थैलियां, एक एक बंधन को उतार, आभूषणों की बांधते हैं थैलियां, इसी निराश से और आस से सुशोभित होंगी, इन्हीं से बंधेगी बहु और बेटियां, चिता की लकड़ियों में जलती विद्रोह से तड़तड़ाती, बंधनों से मुक्त मृत देह का शोर,
दब जाता है। चिता की लकड़ियों में जलती, विद्रोह से तड़तड़ाती, बंधनों से मुक्त मृत देह का शोर दब जाता है। सतवंती, सती सावित्री और कमावणी भली मनक होने के जय घोष में दब जाता है। सतवंती, सती सावित्री और भली कमावणी मनक होने के जय घोष में, मगर विद्रोह करती औरतें पाती है सम्मान। विद्रोही होने के मानक में बदले शब्दों में, अमानवी सत्ता को ललकारती पाती है पदवियां। रंडी होने की छिनाल, भक्तण रखेल गतराड़ा और जगत बिछावना होने की। तो ये थी विद्रोही महिलाएं कविता। इस कविता पर बहुत सारी बातें हो सकती है, आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ गीत गजल जैसा एक सुनाता हूँ पहले, फिर उसके बाद में फिर से अगर टाइम हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा देव सर, तो मैं अपने आप को समेट लूँगा। तो मैं आपको एक कविता, एक गीत गजल कह सकते हैं, मुझे इनके पैरामीटर्स नहीं मालूम है कि गीत किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं। तो वो है मुलेठी के पत्ते, तो वो सुनाता हूँ मैं आपको, सुनिएगा इसको। तरस खाए कोई उन पर, तरस खाए कोई उन पर, वो कब ये चाहते हैं। पड़ोसी की नीली रोशन हंसी वो गर्मियों में चाहते हैं। धधकती आतिशें दिलों में, उगे बाल सफेद माथे पर, बुढ़ा गए वो नफरत पाले, तमन्नाएं बख्शा गए वो नफरत पाले, तमन्नाएं बख्शीश रखते हैं। अदायगी खराब रिश्तों की, बदमिजाज देने का गुमा, अदायगी खराब रिश्तों की, बदमिजाज देने का गुमा, साथ बैठे तैयार नहीं वो, साथ बैठे तैयार नहीं वो, ना काबिले बर्दाश्त अफसोस करते हैं। तरस खाए कोई उन पर, वो कब ये चाहते हैं। पड़ोसी की नीली रोशन हंसी वो गर्मियों में चाहते हैं। अगला शेर या सेंटा जो भी है। दिखावा तरस का हुआ बार बार, ये हमने देखा है। दिखावा तरस का हुआ बार बार, ये हमने देखा है। बनाते हुजूम बिना थके, फहरिस्ते खेरात बांटा करते हैं। फहरिस्ते लिस्ट, खेरात की लिस्ट, जिन जिनको खेरात इनको दी गई है वो लिस्टें वो बांटते फिरते हैं। दोबारा सुनाता हूं इसको। दिखावा तरस का हुआ बार बार, ये हमने देखा है। बनाते हुजूम बिना थके, फहरिस्ते खेरात बांटा करते हैं। ढहाना चाहे दातारियों को, बदमिजाज देने का गुमा, ढहाना चाहे दातारियों को, बदमिजाज देने का गुमा, वो बस एक धड़कती हस्ती बतौर जिंदगी हम समझते हैं। अगली लाइनों पर गौर फरमाइएगा। ख्यालात जो सरपरस्ती में पले, लाचार बैशाखियों पर चलते हैं। ख्यालात जो सरपरस्ती में पले, लाचार बैशाखियों पर चलते हैं। पाते फुहार गुल जो गमलों में, पाते फुहार जो गुल गमलों में, खुली हवा में कब खिला
करते हैं। जानी नहीं रहमतें जिन्होंने, खामोश सींचते हैं खेत को। जानी नहीं रहमतें जिन्होंने, खामोश सींचते हैं खेत को। टोकरे ताजे फलों के उनके, आंगन में हर साल सजा करते हैं। टोकरे ताजे फलों के उनके, आंगन में हर साल सजा करते हैं। अदा उनकी चोरों की, झुकी कमर से जुदा। अदा उनकी चोरों की, झुकी कमर से जुदा। नोचते ये बदन को, वो रंग ए सहद देखा करते हैं। अगली लाइनों पर गौर कीजिएगा, अपनी बात भी कहिएगा। पैदाइश जैसे बीजों की, जड़ों से आती सौंधी हवा। पैदाइश जैसे बीजों की, जड़ों से आती सौंधी हवा। अध खुले मुलेठी के पत्ते, लहक लहक महका करते हैं। अध खुले मुलेठी के पत्ते, लहक लहक महका करते हैं। आखिरी लाइनें इस गीत की, गजल की। लोग तंग सोच के बुढ़ाया करते नफरतों में। लोग तंग सोच के बुढ़ाया करते नफरतों में। भूख मिटाते अपनी बसर जिंदगी करते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। तो ये था मुलेठी के पत्ते कविता। अब मैं आपको इरोम शर्मिला की, जो वो चुनाव हार गई थी, तो उस समय पर जो मन में कुछ भाव उमड़े थे, उनको मैंने लिखने की कोशिश की है, तो वो आपको सुनाना चाहूंगा। इरोम सुनिएगा। एक ऐसी शख्सियत जिसने एक आंदोलन पूरे उस सोसाइटी के लिए लड़ा, और वो उनके केवल 150 मतों की, केवल उनको 150 मत मिले, किस तरह का उस समय पर उसका महाक्रंदन रहा होगा इरोम का, आप महसूस कर सकते हैं उस बात को। जो लंबे समय तक आईसीयू में रही, जिसने भोजन नहीं किया, उसी को समर्पित है। महाक्रंदन के बीच मुझे पता है, तुम नितांत अकेली दूधारी तलवार पर। इरोम सोच रही, इधर जाऊं या उधर जाऊं। महाक्रंदन के बीच मुझे पता है, तुम नितांत अकेली दूधारी तलवार पर। अपनों ने अपनों के लिए खोली AK-47। अपनों ने अपनों के खिलाफ खोली AK-47। तुम ही तो थी खड़ी बंदूक के सामने। मुझे पता था तुम्हारे साथ नहीं होगा अच्छा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, ऐसे ही वीरहीनों के लिए लड़ी थी होलिका। चंद लोगों ने दारू और मांस पिंडों के लिए धूं धूं कर जलाया था इरोम। हमें क्या, हम तो गीदड़ों के भक्त हैं। पत्थरों में श्रद्धा है और भेड़िया मानस है। जो भी हमारे लिए लड़ेगा, हम इंतजार करेंगे उसके मरने का। उसके गम में दारू पार्टी होगी, इंद्र को बलि देंगे और निरंतर लग जाएंगे
उसकी पद चंपी में। नहीं नहीं इरोम, तुम फिर आओगी, तुम फिर लौटोगी, तुम आई हो जैसे महाश्वेता के बाद, महाश्वेता के जस्ट बाद या उसी कड़ी में। तो ये थी इरोम पर एक कवि। इसी तरह का एक आंदोलन पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ था, नूपीलान, तो उसी में उसको इरोम से बातें करते हुए उसको कहने की कोशिश की है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो वो कविता सुनते हैं। आओ इरोम बैठो, थोड़ा दम भर लो, तसल्ली क्या दूं मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए समय कहाँ है मेरे पास, याद है तुम्हें नूपीलान, 150 साल पहले करा उठा था मैक्सवेल उन जंगली बिल्लियों के सामने। एक ऐसा समय था जब फौजें वहां की पूर्वोत्तर महिलाओं की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां कर रही थी, महिलाओं का बलात्कार कर रही थी, और ये घटना हम सबने भी सुनी देखी है। तो नूपीलान एक महिला युद्ध संघर्ष है जो पूर्वोत्तर राज्यों में घटा था 1851 में, तो उसी की बात है। याद है तुम्हें नूपीलान 150 साल पहले करा उठा था मैक्सवेल, अंग्रेजी अफसर है ये, उन जंगली बिल्लियों के सामने। अब सेना ही नहीं करती बलात्कार, आत्मा का बलात्कार करते हैं वही जिनसे करते हैं अभी मत की मांग। बन जाना माइबिस, माइबिस पूर्वोत्तर राज्यों में एक इस तरह से जादुई महिला है जो जंगलों में छिपकर अपना काम करती है, वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आती है लेकिन वो अपना काम करती है। बन जाना माइबिस, दलना छाती पर इनके मूंग, ये है इसी काबिल। बन जाना माइबिस, दलना छाती पर इनके मूंग, ये है इसी काबिल। तो साथियों, ये थे हमारे कविताएं। अगर आप कहें तो आगे बढ़े। एक और आखिरी एक गजल है, उसको मैं सुनाना चाहूँगा। उस गीत का नाम है, गजल का नाम है दलाल स्ट्रीट। शेयर मार्केट जो बाजार है उसको दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, उसी को एक अपने भाव देने की कोशिश की है। तो पढ़ता हूँ दलाल स्ट्रीट। आवाजों का जहनी नक्कार खाना हूं मैं, आवाजों का जहनी नक्कार खाना हूं मैं, तुम कहते हो बड़े चुप चुप रहता हूं मैं। आवाजों का जहनी नक्कार खाना हूं मैं, तुम कहते हो बड़े चुप चुप रहता हूं मैं। गूंजती है सिसकियां खूनी आंसुओं की, गूंजती है कहीं इस सिसकियां खूनी आंसुओं की, जब कभी छत को निहारता लेटता हूं मैं, जब कभी छत को निहारता लेटता हूं मैं। दलाल स्ट्रीट के खामोश दफ्तरों में, दलाल स्ट्रीट के खामोश दफ्तरों में मजूर किसान की रूह का रोना सुनता हूं मैं। दलाल स्ट्रीट के खामोश दफ्तरों में मजदूर किसान की रूह का रोना सुनता हूं मैं। आवाजों का जहनी नक्कार खाना हूं मैं। कभी गया जब अमन तलाशी इबादत खानों में, कभी गया जब
अमन तलासी इबादत खानों में दान पेटियों से फतवों की मार सुनता हूँ मैं, दान पेटियों से फतवों की मार सुनता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना। और एक कविता जो एक नज्म जो पहले भी कही थी मैंने, वो फिर आपसे शेयर करना चाहूँगा, और इसके बाद मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगा। तो वो है खूंटों से बंधे लोग। खूंटों से बंधे इर्द गिर्द घूमते ऊबते नहीं, नहीं ऊबते तो कोई अंतर नहीं, घाणी के बैल और आप में। खूंटों से बंधे इर्द गिर्द घूमते ऊबते नहीं, नहीं ऊबते तो कोई अंतर नहीं, घाणी के बैल और आप में। परंपरा की लगाम में कसे, परंपरा की लगाम में कसे, आंखों पर हुड लगाए लगाम के बताए पथ पर, दौड़ रहे हो बेतहासा तो कोई अंतर नहीं, तांगा ढोते घोड़े और आप में। तो कोई अंतर नहीं, तांगा ढोते घोड़े और आप में। आगे की लाइन, उठते हैं हाथ आपके, बढ़ते हैं कदम आपके, खुलता है मुंह किसी की उंगली के इशारों से। उठते हैं हाथ आपके, बढ़ते हैं कदम आपके, खुलता है मुंह किसी की उंगली के इशारे से। तो कोई अंतर नहीं, धागों में बंधी कठपुतली और आप में। अगर नहीं पता तुम्हें कि तुम पिंजरे में कैद हो, अगर नहीं पता तुम्हें कि तुम पिंजरे में कैद हो, नहीं फड़फड़ाते पिंजरे में जैसे फड़फड़ाती है चिड़िया आजादी के लिए। अगर नहीं पता तुम्हें कि तुम पिंजरे में कैद हो, नहीं फड़फड़ाते पिंजरे में जैसे फड़फड़ाती है चिड़िया आजादी के लिए, एक ही मंत्र दोहराते हो बार बार, तो कोई अंतर नहीं, रट्टू तोते और आप में। तो बहुत समय हो गया है, कविताएं बहुत सारी है, कुछ छोटे छोटे से दो चार हाइकूज है जिंदगी को लेकर, तो वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। फिर उसके बाद ऐसे कहते कहते मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। हाइकू सुनिएगा, समझिएगा, दो दो तीन तीन लाइनों के हाइकूज हैं जिनके अपने संदर्भ है। होता रोज तैयार हल उठा, चला खेत घाणी चक्री बैल। ये एक हाइकू है, आप इसको समझ सकते हैं। होता रोज तैयार हल उठा, चला खेत घाणी चक्री बैल। जिंदगी पर ही दूसरा एक और हाइकू है। आईने के सामने बांधता टाई सूटकेस, किताबों की राह देखते बच्चे। किसान के लिए एक हाइकू है। चौराहे पर
खाद भरा ट्रक, बीज सा फलता कर्ज नमी पाकर। ध्यान दीजिएगा इस पर, चौराहे पर खाद भरा ट्रक, बीज सा फलता कर्ज नमी पाकर। कर्मचारियों के लिए लिखा इसमें थोड़ा सा, कर्मचारी भी किस तरह की जिंदगी जीते हैं आप इसको समझ सकते हैं। ख्वाब पाले से जम गए, ख्वाब पाले से बर्फ, ख्वाब पाले से जम गए, तकाजा आया है गृह ऋण की किस्त का। ख्वाब पाले से जम गए, तकाजा आया है गृह ऋण की किस्त का। एक और हाइकू है, बेटी का ब्याह, बेटी का ब्याह, गिरवी मांडता साहूकार, दूधिया बालीदार खेत। हमारी व्यवस्था को इन 5-7 शब्दों में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा, समझिएगा, संदर्भ से जोड़िएगा। साए साए गुजरते कैबिनेट के काफिले, साए साए गुजरते कैबिनेट के काफिले, ट्रैफिक लाइट पर दम तोड़ती एम्बुलेंस। एक और हाइकू, ऑटो में लद पद, ऑटो में लद पद टाई बांधे बच्चे, पड़ोस से 1500 रुपये लाती गेती और परात। समझिएगा इसके भाव को, ऑटो में लद पद टाई बांधे बच्चे, पड़ोस से 1500 रुपये लाती गेती और परात। एक बच्चे की स्थिति जो पढ़ना चाहता है, गर्दन नीची कर कीले ठोकता चप्पल में, गर्दन नीची कर कीले ठोकता चप्पल में, बस्ता फेंक बच्चा फीस के इंतजार में। थैंक यू सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना। और भी है कविताएं लाइन में, फिर कभी उस पर गौर करेंगे, जिक्र करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आपको सुनते हुए कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी भाव अनुभव, कोई प्रश्न आप मेरे से साझा कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ख़त्म करने के बाद मैं आप सभी के कमेंट्स देखूंगा और उन पर आप सभी का अभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी।